प्रशासन खुद यहाँ पे मिर्चपुर गोहाणा कांड जैसा रूप देखना चाह रही है। सिरसा हमारा शांतिपूर्व है, हम नहीं चाहते कि वो कांड यहाँ पे दोहराया जाए और फिर से जो बहुजन समाज को सड़कों पे उतरना पड़े। लेकिन प्रशासन शायद एक जो सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पे वो रूप देखना चाह रही है। जय भीम। मैं वीरेंद्र पहलवाल, हरियाणा क्रांति मंच से प्रदेश प्रवक्ता, सिरसा के शाहपुरिया में 14 वर्ष 4 महीने का छात्र जो 10वीं कक्षा के एग्जाम दे रहा था, केवल एक मानसिकता के कारण, उसके शिक्षा में आगे होने के कारण उसको रोका जा रहा है। उसके 10वीं में एक टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर आए थे, उस नंबर आगे अच्छे आने के कारण जो वहाँ के टीचर थे उन्होंने भेदभाव करके एक नंबर उसका कम करा। जब उसने प्रिंसिपल से शिकायत करी, शिकायत के दौरान प्रिंसिपल ने वो पेपर चेक करा और एक नंबर और बढ़ा दिया, और सामने वाले छात्र जो टीचर थे उनको एक अनुभव धमकी देकर छोड़ दिया कि अगली बार ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। परंतु उसने, वे एक विशेष समुदाय का था, उसने जातिवत सोच अपने दिमाग में बसा रखी थी, किसी बहाने सिर गांव में बुलाया और पीटा। उसके बाद उसके पिताजी जो वहां पहुंचे उसको पीटा। ये जो एक छोटी सी घटना थी वो पूरी मानसिकता के कारण जातिवाचक रूप ले चुकी है। अतः इसके बाद 15 दिन बाद लड़के पे पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है, लड़के को अरेस्ट किया जाता है, लड़के को और लड़के की माँ को रात को पुलिस की जिप्सी में बिठाकर गांव में घुमाया जाता है, केवल और केवल दूसरी पार्टी को खुश करने के लिए। शायद हमारा जो प्रशासन, जिन पे हम अपना सब कुछ कुर्बान करके रखते हैं, उनकी हर बात को ध्यान में रखते हैं, हम हर सहयोग के लिए साथ खड़े होते हैं, वो कहीं ना कहीं अंधा हो चुका है। एक वर्ग के खिलाफ कार्रवाई करने से कहीं डर रहा है, यही कारण है। और ये चीज क्लियर नजर आ रही है कि आज एक परिवार के साथ ऐसा हो रहा है। प्रशासन खुद यहाँ पे मिर्चपुर गोहाणा कांड जैसा रूप देखना चाह रही है। सिरसा हमारा शांतिपूर्व है, हम नहीं चाहते कि वो कांड यहाँ पे दोहराया जाए और फिर से जो बहुजन समाज को सड़कों पे उतरना पड़े। लेकिन प्रशासन शायद एक जो सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पे वो रूप देखना चाह रही है। सरकार से यही निवेदन करते कि समय रहते हुए इन पे कंट्रोल कर लिया जाए। एकलव्य के समय की बात करूंगा तो एकलव्य ने अपना अंगूठा देकर शिक्षा ग्रहण करी थी। ये आज का जो विद्यार्थी है 10वीं कक्षा का, जो शिक्षा के अंदर बहादुर है, वो हमारा एकलव्य है, उसको आज फिर वही परीक्षा देनी पड़ रही है। कारण क्या है? कारण कहीं ना कहीं यही है कि आज का प्रशासन जो है, शासन जो बैठी, सरकार बैठी है, अंधी हो चुकी है एक वर्ग के खिलाफ। दलित समुदाय, पूर्ण बहुजन समुदाय ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर प्रशासन अपना हाथ समय रहते हुए कार्रवाई नहीं कर पाई, अपना हाथ उठा ले, तो हम आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं, हम लड़ना चाहते हैं। हिंसक आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है? बिल्कुल, मेरी तरफ से हिंसक आंदोलन की चेतावनी इस प्रकार दी जा रही है कि हम लगातार 3 बार SP साहब से मिल लिए, प्रदर्शन कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन एक बार भी कार्रवाई नहीं हो रही। आखिर क्यों? हम इस देश के नागरिक नहीं है? बार बार हम पे क्यों अत्याचार होने लग रहा है? 1 महीने के अंदर 3-3 कांड हो रहे हैं वाल्मीकि समुदाय के साथ। इतना कमजोर नहीं है हमारा समुदाय? अगर प्यार से बात नहीं सुनी जाती तो अहिंसा के लिए भी तैयार रहेगा समाज।